नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उत्तर दिनाजपुर हेमताबाद जाने के क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, भाजपा करेंगे में विश्वास करती है, मरेंगे में नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज उत्तर दिनाजपुर हेमताबाद जाने के क्रम में दिल्ली से सीधे बागडोरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पहुंचते ही पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने 2021 के चुनाव को केंद्र कर कहा कि 2021 के चुनाव में हिंसा मुक्त बंगाल मुख्य मुद्दा होगा। वर्तमान समय में तृणमूल के राज्य में जिस तरीके से बंगाल के लोग परेशान है, प्रतिदिन बंगाल में कहीं न कहीं हिंसा की घटनाएं घट रही है। 2021 के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करेंगे या मरेंगे का स्लोगन दिया है, उस पर निशाना साधते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा करेंगे में विश्वास करती है, मरेंगे में विश्वास नहीं रखती है। ममता बनर्जी का चुनाव से पहले यह संदेश साफ कर देता है कि मुख्यमंत्री और उनकी तृणमूल पार्टी हिंसा पर विश्वास करती है, लेकिन भाजपा बंगाल के लोगों से वादा करती है कि इस बार बंगाल को हिंसा मुक्त कराएगी, भाजपा एक साफ सुथरी सरकार बनाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी बता दिया कि तृणमूल सरकार के शासनकाल में जो आला अधिकारी कानून का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ भी भाजपा कार्रवाई करेगी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में कोरोना से जितने मौतें हुई है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार है। लॉकडाउन जिस वक्त कराना चाहिए था उस वक्त ममता बनर्जी राजनीति करने में व्यस्त थी। देखिए, हमें मरेंगे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। दीदी का विश्वास होगा, डेमोक्रेसी में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो रही है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि करेंगे या मरेंगे। मैं समझता हूँ कि यह संदेश ही इस बात का द्योतक है कि ममता जी का और टीएमसी का विश्वास है हिंसा पे। अगला चुनाव इसी बात पर होगा कि बंगाल में हिंसा चाहिए या नहीं चाहिए। हम वादा करते हैं प्रदेश बंगाल प्रदेश से कि हम प्रजातंत्र के अंदर हिंसा समाप्त करेंगे, हम एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी। तो ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जो नेक्सस बनाकर राजनीति, गुंडे और पुलिस, ये जो हिंसा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम जरूर कार्रवाई करें। सारा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और ये छात्रों के हित का निर्णय है, पर ममता जी छात्र हित नहीं समझ रही हैं। दुर्भाग्य है, वह बंगाल जो शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी होता था, वह बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया। उसका कारण है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार का शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की क्वालिटी, एजुकेशन इस दिशा में कोई विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ राजनीति करना चाहती हैं, जबकि 90% छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन दे दिया, वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कई राज्यों के अंदर जैसे उड़ीसा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेवलिंग की व्यवस्था वो सब कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपा के नहीं हैं, पर इस परीक्षा के लिए वहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य है, बंगाल के अंदर परीक्षा के पहले लॉकडाउन कर रहे हैं। बंगाल के भविष्य की, बंगाल के विद्यार्थियों के भविष्य की मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता नहीं है, बहुत दुर्भाग्य। प्रदेश बंगाल की बात करें सिर्फ, अभी देश के बारे में बात नहीं करें ममता जी, क्योंकि देश के लिए वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गई थी तो उनके प्रदेश की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। लोकसभा की हमारी 18 सीटें आई हैं, अपने प्रदेश को बचाएं, प्रदेश को पहले संभालें। मेरा तो आरोप है ममता जी के ऊपर कि जितनी भी कोविड के अंदर मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार वो है, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन चाहिए था उस समय उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, उस समय राजनीति की, इसके कारण कोविड अनियंत्रित हो गया पश्चिमी बंगाल में। जितनी भी मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार ममता जी। गैंगटॉक के एक बैंक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, साथ ही बैंक्स को किया गया 14 दिनों के लिए बंद, कंटेनमेंट जोन घोषित। पूरे देश के साथ साथ कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार राज्यों में भी अपनी चरम सीमा पर है। सिक्किम में भी संक्रमण में इजाफा हो रहा है। एक बार फिर गैंगटॉक के एमजी मार्ग में स्थित कर्नाटक का बैंक में कार्यरत कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
एवं मुक्त कोरोना संक्रमित मरीज के साथ इंडियन बैंक में कार्यरत कर्मी साथ रहता था। जानकारी के अनुसार दोनों बैंक एक ही बिल्डिंग के बगल में स्थित है, साथ ही दोनों बैंक में काफी लोगों का आना जाना रहता था। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दोनों बैंक्स को आज कंटेनमेंट जोन घोषित कर 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दे दिया गया है। इस बीच आज दोनों बैंक्स को सैनिटाइज किया गया और जानकारी दी गई है कि 3 दिनों बाद फिर बैंक सुचारू रूप से खुलेंगे और बैंक धारक अपना काम कर पाएंगे। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा देश में 34 लाख के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 76,472 नए मामले सामने। भारत में कोविड 19 के मामले 34 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। शनिवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिली। शनिवार को एक दिन में 76,472 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या करीब 26.5 लाख हो गई है और जांच में तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,021 लोगों की मौतें हुई और मृतकों की संख्या बढ़कर 62,550 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 34,63,973 हो गई है, जिनमें से 7,52,424 लोग इलाजरत है और 26,48,999 लोगों का उपचार के बाद इस बीमारी से उभर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 9,01,338 नमूनों के परीक्षण के साथ पिछले 2 हफ्ते में 1 करोड़ नमूनों के परीक्षण का आंकड़ा पार कर गया है। अब तक देश में करीब 4 करोड़ कोरोना नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। सरकार ने रोज 10 लाख टेस्ट करने की क्षमता को विकसित किया है। आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस, ऑनलाइन ही दिए जाएंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। कोरोना की वजह से पहली बार यह आयोजन राष्ट्रपति भवन में न होकर ऑनलाइन आयोजित होगा। इस साल अलग अलग कैटेगरी में कुल 74 लोगों के पुरस्कार दिए जाने थे, जिनमें से 64 कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पा रहे, या वो तो कोरोना संक्रमित है या आइसोलेशन में है। कुछ खिलाड़ी देश के बाहर होने की वजह से भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कि इस साल 5 खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी दिए जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में क्रिकेटर रोहित शर्मा भी शामिल है। उनके अलावा पहलवान विघ्नेश फोगट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और पैरा ओलंपिक्स मरियप्पन थंगवेलु शामिल है। सिलीगुड़ी के नजदीक गोशाईपुर में हुई एक दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ है घायल। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आज तड़के शनिवार सुबह गोशाईपुर में 4 चक्के गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल आरोही को धक्का मार दिया। इस दुर्घटना में उक्त व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसको उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति सिलीगुड़ी से गोशाईपुर की तरफ जा रहा था, लेकिन नेशन हाईवे 2 पर किसी 4 चक्के गाड़ी ने उसको धक्का मार दिया। सूचना मिलते ही बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और गाड़ी की भी तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में बड़ी रिकवरी रेट, 2,982 नए मामले सामने। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1.53 लाख। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 2,982 नए मामले सामने आए एवं 56 लोगों की मौतें हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,53,754 हो गई है, जिनमें से 26,349 एक्टिव केसेस है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,073 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,286 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या बढ़कर 1,24,332 हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 80.86% हो गई है, जो एक दिन पहले 80.28% था। कालियागंज शहर को कोरोना मुक्त कराने के लिए DYFI की ओर से शुरू किया गया स्प्रे अभियान। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने से अपने साथ मौतों के आंकड़े में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर दिनाजपुर जिला कालियागंज छात्र संगठन DYFI उत्तर लोकल कमेटी की ओर से शहर को जीवाणु मुक्त कराने के लिए स्प्रे अभियान शुरू किया गया है।
DYFI के द्वारा विभिन्न जगहों पर स्प्रे कर कोरोना वायरस मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में DYFI जिला सचिव कार्तिक दास, कालियागंज उत्तर लोकल कमेटी की संपादिका ऐश्वरी बागची, जोनल सचिव मनोरंजन पटवारी सहित अन्य योगदान दे रहे हैं। DYFI के नेताओं ने बताया कि शहर को कोरोना मुक्त कराने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। আমরা এই ধরনের উদ্যোগ নিলাম কারণ করোনা পরিস্থিতি যেভাবে গোটা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে তা থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে এখনো পর্যন্ত একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে পরিষ্কার থাকতে হবে এবং সুস্থ থাকতে হবে। এর বাইরে করোনা থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। যেহেতু আমাদের দেশে মানে কোনো রকম ব্যবস্থা ছাড়াই একবার লকডাউন হয়েছিল এবং এখন আনলক চলছে, যখন করোনা এত বেড়ে গেছে তখন আনলক চলছে, তখন রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা এবং বিভিন্ন এলাকায় করোনার সংক্রমণও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আমরা যেই জনবহুল এলাকাগুলো রয়েছে এবং বিশেষত আজকে আমরা যেই পাড়ায় যাচ্ছি 5 নম্বর ওয়ার্ডে, এখানে কিছুদিন আগে করোনার সংক্রমণ ঘটে এবং একজন মারাও যায় বয়স্ক, তো তার বাড়ির আশেপাশে এবং সেই এলাকাকে আমরা আজকে স্যানিটাইজ করব, এই সিদ্ধান্ত আমরা যুব সমাজের পক্ষ থেকে নিয়েছি। লেতে ছোয়া সা ব্রেক, ফির মিলেঙ্গে ব্রেক কে বাদ। আজাদী সে শুরু হুয়া স্বদেশী অভিযান, গাঁও গাঁও মে বিজলি আই রোশন হিন্দুস্তান, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान, तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुके हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी, कॉन्टेक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education, IGFAI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. IGFAI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से मान्यता प्राप्त अतल पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टेक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में अभी तक 2.48 करोड़ लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। फ्रांस में एक दिन में 7000 से ज्यादा केसेस आए सामने। मॉस्को में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। दुनिया में 8 लाख से ज्यादा मौतें, 1.72 करोड़ लोग हुए ठीक। अमेरिका में 60 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 1.85 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,48,98,959 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,72,90,592 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,40,661 लोगों की मौतें हो चुकी है। यह आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक है। फ्रांस में संक्रमण की दूसरी लहर का असर साफ देखा जा रहा है। गुरुवार को
7,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। रूस के मॉस्को में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। सरकार एक और मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने की तैयारियां कर रही है। विद्यार्थियों को देनी होगी फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षा, परीक्षा दिए बिना नहीं मिलेगी डिग्री। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉलेज की फाइनल ईयर सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई को जारी गाइडलाइंस को कायम रखा है, यानी राज्यों को 30 सितंबर से पहले फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं करानी ही होगी। राज्य सरकार परीक्षा टाल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला यूजीसी का ही होगा। यह भी तय हो गया है कि स्टूडेंट्स परीक्षा पास किए बिना हायर क्लासेस में प्रमोट नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कुल 7 आतंकी ढेर, एक जवान भी हुआ शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलवामा के जदुरा इलाके में शुक्रवार रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। 24 घंटे में कुल 7 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, तलाशी अभियान जारी है। जनसंपर्क अधिकारी रक्षा श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार पुलवामा के जदुरा इलाके में कल रात हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल होने के बाद एक सैनिक की शहीद होने की भी खबर है। पुलवामा के जदुरा इलाके में कल रात हुई मुठभेड़ में एक जवान गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें 92 अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से होगा शुरू। 72 घंटे पहले कराई जाएगी सभी सांसदों की कोरोना टेस्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी सांसदों से मानसून सत्र शुरू होने के कम 72 घंटे पहले अपना कोरोना टेस्ट कराकर ही संसद में आने को कहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR, एम्स, DRDO और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ वैश्विक महामारी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए संसद सत्र शुरू करने से पहले की तैयारियों की लंबी बैठक की। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान बिना छुए सुरक्षा जांच की व्यवस्था की जा रही है। बिरला ने स्पष्ट किया कि सांसदों के अलावा जितने भी लोग संसद परिसर में प्रवेश करेंगे उन सभी का सत्र शुरू होने से पहले कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा। इस बार मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा और 1 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। लगभग 10 घंटे तक पूछताछ करने के बाद CBI रिया चक्रवर्ती से फिर करेगी पूछताछ। CBI जांच का 9 दिन। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI ने शुक्रवार को पहली बार अभिनेता की महिला मित्र रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। DRDO के गेस्ट हाउस में अभिनेत्री से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी यहीं ठहरे हुए हैं। रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अधिकारियों के मुताबिक रिया को CBI की जांच टीम के सामने शुक्रवार सुबह 10:30 पेश होने के लिए समन किया गया था। रिया चक्रवर्ती के DRDO गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी और मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें पूछताछ के लिए फिर समन किया जाएगा। सुशांत मामले की जांच के सिलसिले में CBI की टीम पिछले 8 दिनों से मुंबई में है। जांच टीम ने गुरुवार को रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का 8 घंटे से ज्यादा समय तक बयान दर्ज किया था। इस मामले में CBI अब तक पठानी, सुशांत के रसोईया नीरज सिंह तथा घरेलू सहायक दीपेश सावंत समेत कई अन्य लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और BJP ने कोरोना वायरस को लेकर एक दूसरे पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने BJP को बताया राजनीतिक महामारी। भाजपा बोली ओची राजनीति का वायरस ना फैलाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने JEE और NEET की परीक्षाओं के बहाने छात्रों से अपील की है कि इस साल 2021 के विधानसभा चुनाव में BJP की राजनीतिक महामारी को हराने के लिए एकजुट हो। BJP ने भी तुरंत पलटवार करते हुए ममता बनर्जी से ओची राजनीति का वायरस फैलाने से बचने को कहा। शुक्रवार को तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर ममता ने छात्रों को करो या मरो का नारा दिया। छात्र समुदाय से BJP के हमलों पर पलटवार करने का आग्रह करते हुए ममता ने सितंबर में JEE और NEET की परीक्षाएं कराने के फैसले के लिए केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये से COVID-19 के मामलों में इजाफा होगा, क्योंकि परीक्षाएं देने के लिए परीक्षा केंद्र जाने से परीक्षार्थियों भी संक्रमित हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए SK Live के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।